लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एफएसएसएआई ने प्लास्टिक की आकृति मंडों को लेकर आम जनता के बीच फैल रहे भ्रम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एफएसएसएआई ने जारी अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि आमजन के बीच नकली या प्लास्टिक के अंडों को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। एफएसएसएआई के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से अंडों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर ग्राहकों और व्यापारियों में तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। साथ ही कई बार ग्राहक भी नकली या प्लास्टिक के अंडों को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। एफएसएसएआई ने साफ किया है कि प्लास्टिक से अंडों के निर्मित होने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एफएसएसएआई ने कहा है कि कृत्रिम या नकली अंडे बनाना संभव ही नहीं है और यह केवल एक भ्रम है। अभी तक ऐसी किसी तकनीक का इजाद नहीं हो सका है जो असली अंडों से मिलते जुलते प्लास्टिक या नकली अंडे बना सके। एफएसएसएआई का कहना है कि एक अंडे की खुदरा कीमत ₹5 है जबकि 100 पीस की 3D प्रिंटिंग कीमत ₹5,000 है। अगर इस कीमत को ध्यान में रखें तो एक अंडे की कीमत ₹5,000 होगी। अगर सामग्री और मजदूरी की कीमत भी जोड़ लें तो इसकी लागत और बढ़ जाएगी, इसलिए ₹4-5 कीमत वाले प्राकृतिक अंडे का कृत्रिम उत्पादन संभव ही नहीं है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि अंडों के भंडारण का तरीका उनकी गुणवत्ता और रंग रूप को प्रभावित करता है। उच्च गुणवत्ता के लिए अंडों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाए और 2-3 दिन के भीतर ही उपयोग कर लिया जाए। अंडों को 4-5 दिन रेफ्रिजरेटर में रखने की बजाय केवल 1 दिन के लिए भी अगर रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो उनकी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर अंडों को ठीक से स्टोरेज नहीं किया गया है तो वे प्लास्टिक जैसे बन जाएंगे।